अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या नाम है जी? रहमत खान। रहमत खान, रहमत खान साहब, ये आप क्या चीज सेल कर रहे हैं? इसमें तुकमा लहंगा होते है, इसके गोल चिल्का होते है, इसके गोल होते है, चार उमग होते है, बादाम होते है, और बर्फ होते है। बस ये पानी बनाते, इसका नाम क्या है पानी का? पहलवानी शरबत। पहलवानी, इसको कुछ अफरीदी कहते हैं, कुछ पहलवानी कहते हैं। बस ये खोलना थोड़ा सा इसको, इसमें क्या क्या चीज डाली हुई? ये सिर्फ पानी, इसमें मीठा नहीं डाला हुआ? चीनी डाला, ये डाला हुआ। इसमें क्या क्या चीज? तुकमलंगा, इसके गोल, इसके गोल, चिल्का, चिल्का, बादाम, चार मगज, हाँ, और बर्फ, और रंग डालते हैं। अच्छा अच्छा, और मोहब्बत नहीं डाली हुई साथ इसमें? मोहब्बत ही होती है, सारी मोहब्बत ही होती है। अच्छा, ये किस जगह पे आप खड़े हैं? अगर कोई चांदनी चौक, चांदनी चौक आप बनाए उनके लिए, वो बनाए उनके लिए, फिर बाद में हमारे लिए बना देना। ये कौन से हैं? कौन सा संदल है? संदल। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? जामी शिरीन, बादाम, लाची। अच्छा, ये पड़े हुए। अच्छा अच्छा, लाची पिजोरी दोनों। सही है जी। ये जी मैंने पहले पिया था एक, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ लेके आया। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे जिगर के लिए बहुत। हाँ, ये वाकई बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये हमारे लिए एक बना देना संदल का। अच्छा, एक ही बता काफी हम। तो इसमें बताइए, ये संदल डाल दिया आप? सही हो गया। अब बनाए इसको फर्दर। इस चौक का नाम चांदनी चौक है। चांदनी। अच्छा, ग्लास की कितने कीमत क्या है? कितने का ग्लास? 30 रुपए। सिर्फ? सिर्फ 30। इतना माल डाल के सिर्फ 30 रुपए? 30 रुपए। अच्छा, कितने दिन में सेल हो जाते हैं ग्लास आपके? ये कोई हिसाब लगाया नहीं, बस टैंकी फुल करके हाथ। अच्छा। सही है जी। ये कितने सालों से बनाते हैं आप? ये तो हम पहले उधर ही लगाते हैं, चांदी चौक, कादरी चौक, और ये इधर 2-3 महीने हो गए। अच्छा, इसी जगह पे आप आए? मैंने पिया था आई थिंक 2 महीने पहले पिया था, उस वक्त गर्मी थी। अब तो मौसम ठीक हो, अभी तो चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने से कम सेल नहीं होती या उतनी कम हो जाती? फिर ड्राई फ्रूट लगा ले। अच्छा अच्छा, सही सही। आप किस एरिया से हैं? किस इलाके से हैं आप? हम ये बागड़िया चौक। अच्छा, बागड़िया चौक, नहीं पठान, नहीं पठान किस इलाके से? अच्छा, पिशावर से। ये बड़ा मजे का ग्लास आ गया मेरे पास, और इन्होंने इसको नाम दिया जी पहलवानी शरबत, और कुछ लोगों ने इसको अफरीदी शरबत लिखा होता है। वो मेरे ख्याल में ये है कि ये पठान वाले लोग, पठान लोग ही ज़्यादा लगाते हैं, उन्हीं के एरिए से ये आया हुआ, तो इसलिए उसको अफरीदी शरबत कहते हैं। कुछ हकीमी शरबत भी कहते हैं, वो इसलिए होगा कि इसमें जो चीज़ें डाली होती हैं वो तुकमलंगा, इस्तगोल हो गया, इस्तगोल का छिलका हो गया, बादाम हो गया, तो वो सारी चीज़ें सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं, तो इसके लिए इसको, इसलिए इसको हकीमी शरबत भी कहा जाता है। ये पहलवानी तो ओवरऑल बड़ा मज़े की चीज़ है, इसको ट्राई करते हैं। वैसे भी आप लोगों ने इसको पिया होगा, जैसा जैसा संदल का होता है वही है, इसके अलावा जो इसमें चीज़ें डाली हुई उसका टेस्ट होता है। बिस्मिल्लाह। बड़ा इसका हैवी घूंट बनता है, एक इसके ऊपर जो चीज़ें हैं ना, इनका एक बड़ा मज़े का फ्लेवर बनता है मुँह में। वैसे इनका जो चीज़ें होती हैं उसका टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन जो इसमें पानी में पिए तो बहुत मज़े का बनता है। और आप भी इसको ट्राई करें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।